शंकर है, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन रिएक्शन बॉयज़ में। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर है रिएक्शन देने के लिए, और मेरे साथ देने के लिए मेरा दोस्त। जैसे कि शंकर ने बताया, मेरा नाम सौरभ है, और जैसे कि हमारे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो लेके आए हैं हम आज, आपको ज़रूर अच्छी लगी। इससे पहले भी हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया है लाहौर सिटी के ऊपर है, तो जिसने ना देखा हो प्लीज़ जाके देखे, और वो वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी, काफ़ी व्यूज़ भी हमें मिले हैं, आप ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास आज नया वीडियो आया है, ये वीडियो है फोकट ज्ञान चैनल का। इसके अंदर हम वीडियो है टॉप 5 टूरिज्म प्लेस इन पाकिस्तान। तो इससे पहले हमने नहीं मेरे दोस्त ने देखा है, तो आज हम इस पर रिएक्शन देंगे। तो बिना टाइम गवाए तो देखते रहते वीडियो, पहले से बाद हम रिएक्शन देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3, 2 एंड गो। इस वीडियो में आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बता रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बारी आती है बादशाही मस्जिद की। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। इस मस्जिद को 1673 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाया था। ये मस्जिद मुगल काल की सौंदर्य और भव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाकिस्तान की इस दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद में एक साथ 55,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद की डिजाइन दिल्ली की जामा मस्जिद से काफी मिलती जुलती है, जिसे 1648 में औरंगजेब के पिता शाहजहां ने बनवाया था। मस्जिद लाहौर किले के नजदीक स्थित है। हाल में मस्जिद परिसर में एक छोटा संग्रहालय भी जोड़ा गया है। तो दूसरी बारी आती है लाहौर के किले की। लाहौर के उत्तर पश्चिम किनारे में स्थित ये किला यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। किले के भीतर शीश महल, आलमगीर गेट, नौलखा पवेलियन और मोती मस्जिद देखी जा सकती है। ये किला 1400 फीट लंबा और 1115 फीट चौड़ा है। यूनेस्को ने 1981 में इसे विश्व दाय धरोहरों सूची में शामिल किया है। माना जाता है कि इस किले को 1560 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। आलमगीर दरवाजे से किले में प्रवेश किया जाता है, जिसे 1618 में जहांगीर ने बनवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास किले के मुख्य आकर्षण है। तीसरी बारी आती है फैजल मस्जिद इस्लामाबाद की। फैजल मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान में एक मस्जिद है। ये इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स की तलहटी में स्थित है। मस्जिद में एक समकालीन डिजाइन है, जिसमें कंक्रीट के 8 किनारों से बना है, और ये एक बेडोइन तंबू से प्रेरित है। मस्जिद एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, और इसे इस्लामिक वास्तुकला की समकालीन और प्रभावशाली विशेषता के रूप में जाना जाता है। मस्जिद का निर्माण 1976 में सऊदी किंग फैजल ने $120 मिलियन के अनुदान के बाद शुरू हुआ, जिसका नाम फैजल मस्जिद है। तुर्की वास्तुकार वेदर डालोकाय द्वारा परंपरागत डिजाइन को एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद चुना गया था। एक विशिष्ट गुंबद के बिना मस्जिद को बेडोइन तंबू की तरह आकार दिया गया है, जो 260 फीट की ऊंची मीनारों से घिरा हुआ है। डिजाइन में 8 तरफा खोल के आकार के ढलान वाली छतें हैं, जो एक त्रिकोणीय पूजा हॉल का निर्माण करती है। संयुक्त संरचना में 54,000 वर्ग फुट का एक क्षेत्र शामिल है। मस्जिद इस्लामाबाद के परिदृश्य पर हावी है। ये फैजल एवेन्यू के उत्तरी छोर पर स्थित है, जो इसे शहर के सबसे उत्तरी छोर और हिमालय के पश्चिमी तलहटी के मार्गला हिल्स के तल पर स्थित करता है। ये राष्ट्रीय उद्यान की एक सुरम्य पृष्ठभूमि के खिलाफ भूमि के एक ऊंचे क्षेत्र पर स्थित है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद फैजल मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी 1986 से 1993 तक, जब ये मैनेरिजन में मस्जिदों के आगे निकल गई थी। फैजल मस्जिद अब क्षमता के मामले में चौथी सबसे बड़ी मस्जिद है। तो चौथी बारी आती है मोहनजोदारो की, जिसका अर्थ है मृत लोगों का टीला। एक पुरातात्विक प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है ये। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था, और दुनिया के सबसे पुराने प्रमुख शहरों में से एक। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, मियोन क्रेते और नाटेशिको की सभ्यताओं के साथ समकालीन है। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मोहनजोदारो को छोड़ दिया गया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में गिरावट आई थी, और 1920 के दशक तक साइट को फिर से खोजा नहीं गया था। तब से शहर के स्थल पर महत्वपूर्ण उत्खनन किया गया है, जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। वर्तमान में साइट को कटाव और अनुचित बहाली से खतरा है। पांचवी बारी आती है रोहतास के किले की। रोहतास का किला 16वीं शताब्दी का एक किला है।
जो पंजाब के पाकिस्तानी प्रोवनी के झेलम शहर के पास स्थित है। ये किला 1541 से 1548 के बीच शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। किला पोटोहर क्षेत्र के स्थानीय गखर जनजातियों को दबाने के लिए भी डिजाइन किया गया था। गखर जनजाति मुगल साम्राज्य के सहयोगी थे और उन्होंने शेरशाह सूरी की आत्मनिर्भरता को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये किला उपमहाद्वीप में सबसे बड़े और सबसे दुर्जय में से एक है। रोहतास का किला कभी भी बल। ये था वीडियो, काफी अच्छा वीडियो था और इसके बारे में काफी कुछ प्लेसेस थे जो इसके बारे में पता नहीं थे, लेकिन एक दो प्लेसेस है जो जैसे रोहतास किला और मोहनजोदड़ो के बारे में हमें पता था। सभ्यता है इसके बारे में, इसके बारे में पता था। स्टीम पड़ी भी होगी, स्टीम पड़ी भी होगी। तो वीडियो काफी अच्छी थी, वीडियो बाकी बहुत बढ़िया थी और बहुत सारी चीजें थी देखने लायक। और रोहतास शासक के बारे में भी आपने सुना होगा, उसके बारे में भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैं भी तभी किला बनाया रोहतास। तो ये थे 5 टॉप 5 टूरिज्म प्लेसेस पाकिस्तान के। मेरे ख्याल से सौरभ ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि रोहतास किला हो गया और मोहनजोदड़ो काफी पुराना है, तो ये हिस्टोरिकल प्लेस। इसके अलावा मेरे ख्याल से नेचुरल प्लेसेस काफी होंगे पाकिस्तान में, मे भी हिस्टोरिकल भी होंगे, लेकिन टूरिज्म जो आते हैं वो हिस्टोरिकल जाना पसंद करते हैं क्योंकि हिस्ट्री को जानना चाहते हैं कि पहले जमाना कैसा था, कैसा था। अब देखोगे तो अलग था, उस टाइम की चीज़ें बड़ी यूनिक हुआ करती थी, तो इसलिए हिस्टोरिकल प्लेस जाते हैं, तो इसलिए टॉप 5 में दिखाया गया पाकिस्तान में। बाकी और प्लेस भी होंगे, काफ़ी बहुत प्लेसेस होंगे, नेचुरल प्लेसेस वगैरह होंगे, जैसे हमारे इधर भी है बिना मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस हैं और वहाँ पे भी मैंने सुन तो रखा है। अभी धीरे धीरे हम और वीडियो लाएंगे तो देखेंगे और वीडियो मतलब कि कैसा है वहाँ पे और भी सिटीज़ वगैरह कैसा है। तो आज हमने आपको टॉप 5 दिखाया पाकिस्तान के टूरिज्म प्लेस। इसके अंदर एक लाहौर किला था और इससे रिलेटेड हमारे इधर भी एक लाल किला है, मतलब काफ़ी है, लाल किला भी है और पुराना किला टाइप का इस तरह के सेम टू सेम। और इसमें शुरुआत में मस्जिद दिखाया गया, बिल्कुल सेम टू सेम मस्जिद हमारे इधर भी है, जामा मस्जिद नाम से प्रसिद्ध है वो। जामा मस्जिद के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, हाँ, और काफ़ी मान्यता है भी है उसकी, हाँ काफ़ी मान्यता है, काफ़ी लोग जाते हैं, इनफैक्ट हम भी जा चुके हैं 2-3 बार, पाकिस्तान से भी लोग जामा मस्जिद आते हैं, हम भी 2-3 बार जा चुके हैं घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा प्लेसेस है। तो ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पर और हमारा पुराना वीडियोज भी जरूर जाके देखें, चैनल में दे रखा है। और ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे, आई होप आपको पसंद आया होगा कि किसी को कमेंट करें प्लीज। पाकिस्तान में इतने टूरिज्म प्लेस है और आज हमने आपको बता भी दिए, दिखा भी दिए अपने वीडियो के जरिए, तो आपको अगर अच्छा लगे रिएक्शन वगैरह अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।